हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले बोट के स्पीकर बार का। आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल अंकुर स्वामी अनबॉक्सिंग, जहाँ पे मैं अलग अलग प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो बोट का, ये है बॉक्स स्पीकर बार का, कुछ इस तरह का बॉक्स आता है और मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है। तो यहाँ पे पैकिंग भी अमेजोन की तरफ से कुछ नहीं की जाती, ओनली यहाँ पे आपको स्लीपिंग लेबल लगाया इतने को मिल जाता है और कुछ भी अमेजोन की तरफ से पैकिंग नहीं होता। ऐसे ही जैसे कंपनी का पैकिंग आता है वैसे आपको भेज दिया जाता है। तो आइए चलिए इसको करते हैं हम ओपन। इसकी बॉक्सिंग साइज की बात करूँ तो ये 3.5 फीट जितना लंबा बॉक्स आया हुआ है इसका। और ये बॉक्स आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको बोट कंपनी का लोगो देखने को मिल जाता है। और इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आपको बार 1198 जो मॉडल नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है और कुछ डिटेल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो यही साइड जो है दोनों साइड है। तो इतना ही ये बॉक्स आया तरह, इसको करते हैं हम ओपन। तो ये है बॉक्स आ चुका है हमारा बोट का। तो पैकिंग तो बहुत ही बढ़िया था, बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स आया हुआ है। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरफ हम देखें तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, इसमें कौन से फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ आपको फोटो देखने को मिल जाएगा स्पीकर बार का और यहाँ पर भी कुछ और डिटेल आपको देखने को मिलती है। तो ये है बॉक्स कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितने वोल्ट का है, तो ये 90 वोल्ट का है। ये हमने स्पीकर ऑर्डर किया हुआ है तो कुछ इस तरीका का है ये। तो हम इसको ओपन करते हैं बॉक्स को, बॉक्स के अंदर भी देख लेते हैं स्पीकर कैसा है। तो ये बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें कुछ एसेसरीज मिल जाती है, वो मैं सारी आपको बाद में खोल के बता देता हूँ। इसके अलावा ये हमारा जो स्पीकर बार है वो है कुछ इस तरीके से पैक होकर आता है। ये एसेसरीज के अंदर क्या क्या आए हो हम देख लेते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक रिमोट आ जाता है, वॉइस कम ज़्यादा करने के लिए, बास के लिए, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का रिमोट आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको सेल लगाने हैं। उसके अलावा एक पावर केबल है, ये भी कुछ ये आप देखो कुछ तो कुछ ये भी कुछ 3 फुट जितना लंबा केबल आपको देखने को मिलता है। कुछ बोट के तरफ से ये आपको कुछ कागज देखते, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो बोट का साउंड बार 1198, तो कुछ इस तरीके का ये साउंड बार आता है। यहाँ पे आपको जो बूफर मिल जाते हैं उसके लिए भाई यहाँ पे आपको जो स्पीकर आता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हो बोट की ब्रांडिंग, बहुत ही खूबसूरत ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की साइड आप देख रहे हो तो कुछ ये भाग है जो आपको नीचे सरफेस पर रखना होता है, यहाँ पर रख सकते हो। तो थोड़ा सा रबर का ये दिया गया हुआ है जिस पर आप रख सकते हो। नीचे की साइड हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पावर ऑन और ऑफ का बटन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका जो पावर केबल है वो यहाँ पे लगता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑक्स केबल आप मोबाइल से या पे किसी भी यूज़ करना चाहते हो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे USB साउंड भी आपको देखने को मिल जाता है, ये ऑडियो इन के लिए है। उसके अलावा यहाँ पे HDMI केबल भी आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं पीछे की साइड।
यहाँ पे ऊपर की साइड आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ और बटन आपको देखने को मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये सारे ऑप्शन आपको साइड में देखने को मिल जाते हैं। इसकी साइज के बारे में बात करो तो 3 फुट इतना लंबा है, और साउंड भी मैं आपको सुनाकर दिखाने वाला हूँ कैसा है इसका साउंड। ऑन करते ही आपको यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिल जाती है ऑन करते ही। यहाँ पे आपको कौन सा मोड है वो आप पे मोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोड चेंज होते रहते हैं, ये आप देख रहे हो। तो आपको जिस मोड में सुनना है उस मोड में आपको इसको कर देना है। यहाँ पे वॉल्यूम का भी कम ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए कितना हो रहा है, तो यहाँ पे लाइट आपको देखने को मिल जाती है कि कितने साउंड पे ये स्पीकर है। ये स्पीकर हमने फिट कर दिया हुआ है अपनी दीवार पे, कैसे फिट करना है मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा तो वो आप देख लीजिएगा। और ये BT मतलब ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होता है, अगर आपके TV में ब्लूटूथ का ऑप्शन है तो आप ये स्पीकर को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। हमने ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके चालू किया हुआ है, तो हम आपको साउंड दिखा देते कैसा आता है। आपने देखा किस तरह का साउंड आता है। यहाँ पर पीछे की साइड 2 बोल्ट आते हैं वो खोलने, दोनों साइड आते हैं तो वो हमें खोलने, अगर आपको स्टैंड पे लगाना हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टैंड आता है तो कुछ इस तरीके से आपको लगाना है, और ऊपर से आपका डिसमिस चला जाएगा तो उससे बोल्ट फिट कर लेना है। तो यहाँ पर भी 2 बोल्ट है वो हम ओपन कर देंगे, और दोनों जो बोल्ट है वो ये वाला भाग दोनों साइड सेम होना चाहिए तो ये आपके सामने फिट होगा सही तरीके से। दोस्तों आप ये देख रहे हो बोट का साउंड बार, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया होता और मुझे ये 5,000 के आसपास में पड़ा है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो मेरी वीडियो के लिंक डालिए, वहाँ जाकर आप ये स्पीकर ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।